बैक दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट देवराज पूत स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी लविंग वाइफ के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, आप सबका एंजॉय दिल से। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मेरे पड़ोसी भी हैं, मैं भी हूं, मेरा परिवार भी है, और आज का वीडियो पूरा भरा हुआ है प्यार के साथ, चाहे वो भक्ति का हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो बड़ों का हो, पूरा एपिसोड जो है आज का भरा हुआ है भक्ति के साथ, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे पड़ोसियों का हो, किसी का भी हो। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, और वो भी दिल से। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताइए कि हम लोग अपने एपिसोड के अंदर क्या चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो भी बताइएगा दोस्तों दिल से। और दोस्तों, बैल आइकॉन भी दबाइएगा, वो भी दिल से। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। और मैं तो हूँ तैयार, एंजॉय दिल से। दोस्तों चलते हैं एक नई मंजिल की तलाश में, एंजॉय दिल से। दोस्तों रात के बज रहे हैं 8:30। जी हाँ दोस्तों, और टाइम हो गया है मेहमान जी को डिनर कराने का, और डिनर में हमने बनाए हैं दाल और परांठे, और ये है हमारी सुबह की पूजा अर्चना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आनंदमय दृश्य है ये, और मिस्टर विवान भी कर रहे हैं आरती मेरे साथ, मिसेस राजपूत है, और हमारे सभी अड़ोस पड़ोस के लोग जो कि इस समय आ गए हैं पूजा अर्चना के लिए। सुबह की पूजा अर्चना हो रही है गणपति जी की। तो दोस्तों आज एक्चुअली में है मेरे बेटे का बर्थडे, कल थी हमारी शादी की सालगिरह, आज है मेरे बेटे का बर्थडे, और इन लोगों का प्लान है आज अपनी दादी के पास जाने का, क्योंकि हमेशा ये अपनी दादी से, एक्चुअली क्या है कि दादी से मिले हुए इनको हो गए हैं बहुत समय, और क्योंकि लॉकडाउन लगा, कोरोना टाइम चल रहा है, तो इसलिए नहीं मिल पाए हैं, दादी भी नहीं मिल पाई है इनसे, क्योंकि वो रहते हैं दिल्ली। तो आज ये लोग जाएंगे दिल्ली, और इनका प्लान अकेले जाने का नहीं है, इनके साथ जाएंगे मिस्टर शीरो। जी हाँ, शीरो भी दिल्ली जा रहा है दादी से मिलने। तो ये लोग जाएंगे दिल्ली और हम लोग रहेंगे यहीं पर, क्योंकि एक्चुअली जब घर में मेहमान हो तो मेहमान को छोड़कर नहीं जाते हैं, तो गणेश जी आए हुए हैं तो गणेश जी को छोड़कर नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों को, मिसेज राजपूत को और मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि उनका सुबह का नाश्ता भी कराना है। नाश्ते में आज हम लोग कराएंगे कचौड़ी लाएंगे हलवाई से बनवाकर स्पेशल, और उसके बाद फिर इनको कराया जाएगा लंच, और लंच में आज की रेसिपी होगी फिर दाल रोटी होगी घी के साथ, और शाम को फिर पूजा अर्चना होगी हमारी, आज 7 बजे होगी, क्योंकि आज लेट होगी, क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम नहीं है, तो इसलिए 7 बजे कर सकते हैं हम लोग, तो थोड़ा लेट हो जाएगी आज। तो दोस्तों बड़ा ही मनमोहक और खूबसूरत दृश्य होता है जब हम लोग, यानी कि हम, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भाई बंद सभी मिलकर जब पूजा अर्चना करते हैं ना, तो बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है दोस्तों, ना उसमें उस समय कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, तो बहुत ही मनमोहक और बहुत ही लाजवाब होता है दोस्तों, और यही यादें हमेशा हमारे दिलों में रह जाती है कि पिछली बार गणपति पे हमने ऐसा किया था, पिछली बार गणपति पे हमने वैसा किया था, तो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ अलग तरीके का एंजॉय करते हैं। लोग तालियां बजा रहे हैं इस समय पर, आरती गा रहे हैं लोग बाग, और बहुत ही खूबसूरत नजारा दोस्तों, मैं इसको बयां नहीं कर सकता शब्दों में और ना कभी कर पाऊंगा। तो दोस्तों आरती हो चुकी है और सभी को छींटे दिए जा रहे हैं इस समय, क्योंकि हमारे यहाँ पर गली सोसाइटी के अंदर सभी लोग इकट्ठा है, सामने बिल्डिंग से, पास वाली बिल्डिंग से, इधर वाली बिल्डिंग। हे गाइस, शीरो जा रहे हैं दिल्ली अपने भाई के साथ, क्योंकि ये लैंसडाउन गए, हरिद्वार गए, इनको लग गया चस्का बाहर घूमने का, गाड़ी में बैठने का, और ये जा रहे हैं दिल्ली, और शीरो पहुंच गया दिल्ली। तो दोस्तों बच्चे आ चुके हैं दिल्ली से घूमकर, यानी कि अपनी दादी और नानी के घर से, क्योंकि दादी भी रहती है पास में और नानी भी रहती है पास में, तो ये लेकर आए हैं। आज क्या दिखाते हैं हम आपको दोस्तों, देखिए ये देखिए सास का प्यार, चूड़े चूड़ियां,
रंग बिरंगी साड़ियाँ। और ये देखिए फॉल, वाह साहब क्या बात है साहब, हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलता है, हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलता, उनको ऐसा ही लगता है बच्चों के लिए हमेशा ऐसा। और दलिया भी भेजा, वाह भाई वाह क्या बात है दलिया। दोस्तों बड़ी हैरान करने वाली बात होती है जब माँ का प्यार जब ऐसा छलकता है ना, क्या मजा आता है दोस्तों। कितनी लगती है, इतनी दूर रहकर भी उनको आज भी हम वही बच्चे लगते हैं जैसे कि बचपन में हम लोग थे। और ये प्याज देखिए दोस्तों, प्याज टमाटर नहीं मिलता यहाँ पे सब्जी वाले, जबकि मैं डेली दिखाता हूँ कि डोर स्टेप। और ये भाई ने देखो हमारे चटनी बना के भेजी है, उनका भी प्यार देखो दोस्तों। और हमारी सास ने क्या भेजा है, क्या भेजा है, कौन सी साड़ी है पता नहीं। सास ने भेजा होगा अपनी बेटी के लिए, कुछ स्पेशल दामाद के लिए तो नहीं भेजेंगी कम से कम, ये तो मुझे भी पता है। तो सास ने भी भेजा, माँ ने भी भेजा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तुम्हारी किस्मत ज्यादा अच्छी है ना भाई। वो कहाँ है, क्या पक्का भेजा होगा पहाड़ी धीरे से स्पेशल तेल, आंवला तेल, क्योंकि आपके बाल हमेशा से ऐसी थोड़ी ना है, यही लगाती ना आपकी मॉम। हमें 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 तो बस यही लगाने को मिलता है दोस्तों, बचा कुचा बस थोड़ा बहुत यही लगा लेते हम तो हाथ पैरों। दोस्तों बच्चों को लगी है भूख, तो दो मिनट बना दिए नूडल, और वो भी विटामिन सी के साथ। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों शाम के 7 बजने वाले हैं और आरती का समय हो रहा है। गणेश जी के प्रिय भक्त आकर पूछ रहे हैं कि आरती कितने बजे करोगे, आज वर्क फ्रॉम होम नहीं है दोस्तों, तो इसलिए आरती का समय चेंज कर दिया गया है, 7 बजे का कर दिया है, वरना अदरवाइज हम लोग 6 बजे करते हैं। और गणेश जी के प्रति लोगों की आस्था देखकर मन मुग्ध हो जाता है दोस्तों। आरती हो रही है, मिस राजपूत कर रही है आरती, और मैं अगर भगवान गणपति जी महाराज ने चाहा और लोगों ने चाहा तो मैं आपको वो नज़ारा भी दिखाऊंगा कि गणपति जी के लिए कितनी आस्था है लोगों के मन में। और इस दृश्य को मैं अपने शब्दों में बिल्कुल भी बयां नहीं कर सकता दोस्तों। आरती हो चुकी है और अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठेंगे गणपति जी के पास और उसके बाद लेंगे चाय का आनंद, वो भी दिल से। दोस्तों मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के घरों में खुशियां हमेशा रहे और आप लोग हमेशा खुश रहें। नमस्ते जी दोस्तों, अभी हम लोग बैठे हैं गणपति जी के पास क्योंकि संध्या वंदन हो चुका है, आरती हो चुकी है दोस्तों। थोड़ी सी देर हम यहाँ बैठेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे अभी यहाँ पर, फिर उसके बाद चलेंगे किचन में क्योंकि करनी है रात्रि भोज की तैयारी, वो भी दिल से। दोस्तों बड़ा ही मजा आ रहा है, बड़ा ही एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग, हम ही लोग नहीं सभी लोग कर रहे हैं, सभी अपार्टमेंट के लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी उनकी वीडियो हम लोग ने नहीं बनाई है, तो हम लोग आपको अभी नहीं दिखा सकते, ताकि जब तक कोई कह ना दे तब तक हम किसी की वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। पूरी गली आ रही है, पूरी गली आ रही है दोस्तों, तो वो दिखाएंगे आपको, पहले पूछ लें सबसे, किसी को अगर ऑब्जेक्शन नहीं होगा। दोस्तों चलते हैं फिर एंजॉय दिल से किचन में और करेंगे तैयारी और मिलेंगे आपसे कल, वो भी दिल से एक नई रेसिपी के साथ, एक नई मंजिल की तलाश में मिलेंगे आपसे, एंजॉय दिल से।